कॉज ऑफ डिस्पर्शन में ये बताया जाता है डिस्पर्शन हुई क्यों। तो जब सात रंग आप कंसिडर करते हैं, वाइट लाइट सात रंगों की बनी हुई है, सात रंगों की वेवलेंथ एक जैसी नहीं है। विब ग्योर में जो एक्सट्रीम कलर्स हैं, एक वॉयलेट है और एक रेड है, तो ये नोट कर लें, रेड लाइट इज एट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, कम होती है। अंडरलाइन कर लें, इम्पॉर्टेंट है। रेड लाइट की वेवलेंथ जो है, अच्छा है नहीं, ये एनसीईआरटी की बुकलेट में है, फर्स्ट पेज पे है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग है और वॉयलेट की सबसे शॉर्ट है। एक साइंटिस्ट जिसने ये रिजल्ट प्रूव किया, किसी भी प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला, जिसको कॉची रिलेशन बोलते हैं, तो ये कॉची रिलेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए प्लस बी बाई लैमडा स्क्वायर और सी बाई लैमडा रेज़ टू पावर 4 है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। मतलब मेजरली इसमें ये देखा गया है कि जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अब क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया रेड लाइट की सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ है, रेड की वेवलेंथ अगर हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है, तो रेड की वेवलेंथ अगर हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, कम होगा। और थिन प्रिज्म का अगर फॉर्मूला लगा भी लिया जाए तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ऑब्वियसली उसका जो डेल्टा होगा वो भी कम होगा, अगर म्यू कम है तो डेल्टा भी कम है, इसलिए डेविएशन रेड की सबसे कम है, वॉयलेट की सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए जब आप ये बनाते हैं डायग्राम, तो इस डायग्राम में जब आप डिस्पर्शन शो करते हैं तो रेड की डेविएशन सबसे कम है और वॉयलेट की डेविएशन सबसे ज़्यादा है, तो ये वॉयलेट सबसे पहले आएगा, रेड सबसे एंड में आएगा। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक?